मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, लेकर गीतों भरी कहानी। आज आप दीपक कंवल की लिखी कहानी समाप्त करेंगे, राधा नाचे की। मेरी दादी राधा भी कृष्ण जी की राधा से कुछ कम न थी, उतनी ही गोरी और चंचल जितनी कृष्ण जी की राधा थी। अगर राधा अपने कृष्ण की मतवाली थी तो मेरी दादी भी अपने कन्हैया यानी दादा की दीवानी थी। कृष्ण जी जितने सांवले थे, दादा उतने ही गोरे चिट्टे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कृष्ण जी एक अवतार थे जबकि दादा एक आम इंसान थे। कृष्ण जी अपनी राधा से जितना प्यार करते थे, दादा तो उससे कहीं ज्यादा अपनी भागभरी से प्यार करते थे। प्यार क्या, वो तो दादी पर जान छिड़कते थे। दादी जितनी खुशरू थी उतनी ही खुशगुलो भी थी। उसके गले में शहद जैसी मिठास और शबनम जैसी ताजगी और फूलों जैसी मलामत थी। गांव में जहां भी शादी ब्याह की तकरीब होती थी, दादी का उसमें शामिल होना पहले से ही तय होता था। शादी की तारीख पक्की होते ही सबसे पहले साहिब खाना दादी को मधु करने के लिए खुद पहुंच जाता था। उसके बाद ही दीगर रिश्तेदारों में दावतनामे बांटे जाते थे। उसकी वजह यह थी कि दादी की मौजूदगी से शादी में एक अलग ही रंग जम जाता था। उसकी मीठी आवाज तकरीब में चार चांद लगा देती थी। दादी की आमद की खबर के साथ ही औरतें गिरते पड़ते दादी के गिर जमा होकर पहले उनसे लिपटने झपटने लगती थी और फिर उन्हें घेर कर उस हॉल तक ले जाती थी जो खास तौर से उनके लिए सजाया गया होता था, जहां उनके बैठने की जगह पर एक हफ्तरंगी कालीन बिछा होता था जिसके सिरहाने एक गाव तकिया लगा होता था, जहां दादी जाकर फसकड़ा मारकर बैठ जाती थी। औरतें एक गोल बनाकर दादी के सामने बैठ जाती थी जिनके हाथों में गाने के साज होते थे। उसके बाद साज खनकने लगते थे। साज भी क्या होते थे, ढोलक गगरी थाली और चिमटा। जब ये सारे साज एक साथ लय में बजने लगते थे तो ऑर्केस्ट्रा का समा पैदा करते थे। दफ बजते ही क्या बूढ़ी क्या जवान, सबके अंग अंग फड़कने लगते थे और फिर ये सारी औरतें लय से लय मिलाकर झूमने लगती थीं। संगीत का ऐसा समा बन जाता था कि हर शय नखमरेज नजर आने लगती थी। हॉल के बाहर अंगनाई में बैठे नौजवान छोरे छोरियों के कानों में जो ही रसीले बोल पड़ जाते थे तो वो भी तरंग में आकर थिरकने लगते थे। उसके बाद पूरा माहौल मस्ती में डूब जाता था। उन दिनों का माहौल ही कुछ अलग था। हर गांव एक कुंबे की तरह होता था। किसी के घर में शादी हो या गम, उसमें हर फर्द बिला किसी इम्तियाज के शामिल होता था। ये हिंदू मुस्लिम का तफरुक तो कश्मीर के समाज में था ही नहीं। शादी ब्याह के मौके पर तो लौंडे लपाड़ों के पौ बारा हो जाते थे। वो बड़े सज दज के आते थे और लड़कियों को अपनी ओर राखिब करने के लिए अपनी भोंडी अदाओं और तिफलाना हमाकतों का मुजाहिरा करते थे। लड़कियां भी खूब सजधज के आ जाया करती थीं, आंखों में काजल के डोरे डाले, माथे पर जुल्फों की लट लहराए और चेहरे पर खासा पाउडर मले वो इश्वे और खमजे दिखाकर लौंडों को दीवाना बना देती थीं। कुछ तो लज्जाती शर्माती और कुछ इतराती फिरती नजर आती थीं, पर जो कुछ भी होता था अखलाक तहजीब के दायरे के अंदर ही होता था। अदाएं और अंदाज चाहे जैसे भी हों, उनमें बेहयाई नहीं बल्कि पाकीज़गी होती थी। इशारे जैसे भी हों, उनमें आमियानापन नहीं बल्कि तकद्दुस और पाकी हुआ करती थी। हर गमजे में नफासत और नजाकत होती थी और हर कदम में लाजो शर्म का एहसास झलकता नजर आता था। ऐसी तकारीब में अकेले लड़के लड़कियां ही नहीं बल्कि पूरा गांव मां आयाल के शरीक होता था और लड़कियां लहक लहक के नाचती थी। मुझे याद है कि जब मेरी शादी थी तो लिपाई से लेकर विदाई तक गांव का हर फर्द तन मन से एक एक काम को निपटाने में जुटा हुआ था। उन दिनों शादियों के तमाम तरसुमात घर के आंगन में ही अंजाम पजीर होते थे। मेहमानों के तवाम और कयाम के लिए साहिबान का इंतजाम किया जाता था। ये साहिबान घर के सहन में ही गाड़ दिया जाता था। उसके लिए किसी कारीगर को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
साइबान के गाड़ने से लेके उसकी फर्शी सजावट तक ये सारा काम अड़ोस पड़ोस के रजाकार ही अंजाम देते थे। बांस के डंडे जमीन में गाड़ कर फिर उन डंडों पर साइबान खड़ा करना, अंदर फर्श पर सतरंजियां और नमदे बिछाना, कोई घर से टाट ले आता था तो कोई तकिया, कोई मैट्रेस उठाए चला आता था तो कोई कंबल, कोई बिस्तर तो कोई बिस्तर। इसी तरह शादी में इस्तेमाल होने वाले तमाम बर्तन भी आपस में ही जमा किए जाते थे। कोई प्रात लेके आ रहा है तो कोई तवा, कोई देग तो कोई पतीला, कोई समावार तो कोई गिलास, कोई थाली तो कोई कच्छे। गरज ये कि जितने भी बर्तन शादी में मतलूब होते थे वो सब अड़ोस पड़ोस से ही इकट्ठे किए जाते थे। कहीं कुछ खरीदने या बाड़े पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब मेहमानों को खाना परोसा जाता था तो उसमें भी गांव के ही रजाकार पेश पेश रहते थे। सबसे पहले दो लौंडे दस्तरखान बिछा देते थे, उसके बाद दो छोकरे आबदस्त लेके आगे बढ़ते थे, उनके पीछे दो लड़के थालियां लेकर आ जाते थे, फिर दो हट्टे कट्टे नौजवान चावल की बड़ी सी प्रात लेकर इस दस्ते की अगुवाई करते थे। एक प्रात उठाए चलता था तो दूसरा एक प्लेट से थालियों में चावल डालते हुए आगे बढ़ता था। उनके पीछे पीछे मूली की चटनी लेके कोई कमसिन छोकरा चटनी डालता नजर आता था। उसके बाद एक कतार में गांव के रजाकार हाथों में तरह तरह के पकवान लिए फौजी अंदाज से एक एक करके आगे बढ़ते थे और मेहमानों की थालियों में बड़े सलीके से सब्जियां या गोश्त के पकवान डालकर आगे बढ़ते थे। सबके आखिर में रसोईया नमूदार होता था, जिसकी शक्लो सूरत से यूं लगता था जैसे वो किसी कोयले की कान से अभी अभी बाहर निकला हो। धुएं के असर से वो काला भुजंग बन जाता था, उसके कपड़े मैले और काले चिकट होते थे। वो एक हंडिया को कमर पर रखकर एक करछी से पीला गोश्त या पीली पनीर थालियों में डालते हुए आगे बढ़ता था। जो ही मेहमान खाने से फारिग होते थे तो यही रजाकार सारी झूठी थालियां उठाकर बाहर रख देते थे। गांव की चुनिंदा औरतें मुनज्जम तरीके से बारी बारी ये छोटी थालियां धो देती थीं और फिर उन्हें वापस रसोई में रखकर आती थीं। जितने दिन शादी ब्याह की तकरीब चलती थी ना, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता था। इस सारे सिलसिले का एक जाबिता होता था, साथ ही हर कामदार के दिल में एक उमंग और वलवला होता था। जिस दिन बारात आने वाली होती थी या बारात जाने वाली, गांव के सारे जनो मर्द सहन में आकर जमा हो जाते थे। अगर हिंदू घराने की शादी है तो मुस्लिम औरतें पहले एक गोल बनाती और फिर कदम से कदम मिलाकर रूफ गाने से समा बांधती थी। उनके सुर लगाते ही हिंदू औरतों के अंग फड़कने लगते थे और वो भी आकर उनका साथ देने लगती थी। दोनों मिलकर नाच गाने में महव हो जाती थी और अपनी लय और थिरक से धूम मचा देती थी। कुछ बूढ़ी औरतें शीरीनी और खजूर दूल्हा दुल्हन पर निछावर करके सदका उतार देती थीं, जबकि मर्द हाथों में फूलों के हार लिए बारात का इस्तकबाल करते थे या बारात को रुखसत करते थे। इसमें यह नहीं देखा जाता था कि शादी हिंदू की है या मुसलमान की। ऐसी तकारी तो गांव वाले मिलकर मनाते थे और खूब मजा लेते थे। अगर बेटी की शादी हो तो रुखसती के वक्त घर का मंजर बड़ा अंदोहगी होता था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। औरतें बारी बारी दुल्हन से लिपट कर रो पड़ती थीं। एक तरफ दुल्हन के सगे संबंधी रो रो के हलकान हो जाते थे तो दूसरी तरफ खुशियों के तराने बजते थे। आज आप दीपक कंवल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं राधा नाचेगी। मुझे याद है जब मैं दुल्हा बनकर तैयार हुआ तो बाहर एक सजी सजाई घोड़ी मेरे इंतजार में खड़ी थी। सबसे पहले मेरे मामू मुझे गोद में उठाकर बाहर तक ले आए, उसके बाद
खलील चाचा ने मुझे घोड़ी पर बिठाया। जानकी बुआ ने मेरी नजर उतारने के लिए एक कांकड़ी में स्पंज जलाया, जबकि मरियम चाची ने शीरीनी और सिक्के उछालकर सबका फेर लिया। जब बारात चलने की तैयारी होने लगी तो इस्माइल काका ने घोड़ी की लगाम थामी, जबकि मेरा छोटा भाई बबलू शाहबाला बनके घोड़ी पर मेरे पीछे बैठ गया। जब दादी को बताया गया कि बारात रवाना होने वाली है तो दादी फौरन तरंग में आ गई। वो जहां खड़ी थी उसने वहीं से सुर लगाया और वो लहक लहक कर नाचने लगी। उसके साथ ही गांव की वो औरतें जो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थीं, चाव में आकर खूब ठुमके लगाने लगी। दादा पास ही खड़े दादी के एक एक अदा पर सदके वारी हुए जा रहे थे। वो मुसलसल दादी की तरफ फरेफ्तगी के अंदाज से यकटुक देखे जा रहे थे। जब दादी का नाच गाना पूरा हुआ तो दादा दादी के पास जाकर शोखियाना अंदाज में बोले, हाय हाय राधा, क्या गजब के नाची हो तुम। ऐसे लहक लहक के नाचते हुए मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। दादी एक अदाए दिलबराना के साथ बोली, हाय आज तुम्हें सारे दिन नाचती फिरती। बरसों से ये अरमान लिए मैं जी रही थी कि कब मेरा बिट्टू दुल्हा बने और मैं उसके सर पर सहरा देखूं। तुमने तो आज मेरी दिली आरजू पूरी की। अब मैं अगर मर भी गई ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। दादा ने उसे सीने से लगाया और वो थोड़े से जज्बाती होके बोले, इस खुशी के मौके पर ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रही हो। अभी तो तुम्हें बबलू की शादी में भी नाचना है, फिर अपने परपोतियों के सर पर भी सहरा देखना है। दादी दादा की शिद्दत वफा पर हजार जान से वारी वारी हुए बिना न रह सकी। दादी ने औज मौज का जमाना ही नहीं प्यारो मोहब्बत और आपसी भाईचारे का दौर भी देखा था। वो तो उस माहौल की परवरदा थी जहां खुशियां सांझी और दर्द यकसा लगते थे। दादी उसी माहौल और उसी फिजा में आखिरी सांस तक जीना चाहती थी और ऐसे माहौल से एक पल के लिए भी अलग होना नहीं चाहती थी। दादी अपने घर और अपने परिवार से वालेहाना हद तक प्यार करती थी। वो एक शब्द से ज्यादा अपने घर से दूर नहीं रह पाती थी। अगर कभी दादी अपने मायके जाती तो अगले ही रोज दादा आधमकते और तब तक वहीं पर जमे रहते जब तक दादी चलने के लिए हामी नहीं भरती थी। दादी को अपने परिवार से ही नहीं अपने गांव अपने अड़ोस पड़ोस से बेहद प्यार था। वो जब तक दिन में दो चार लोगों को डांटती फटकारती नहीं, किसी को रोकती टोकती नहीं, उसका खाना हजम ही नहीं होता था। इसी तरह जब तक हाजरा चाची अपना आल्हा नहीं रोती, जानकी बुआ अपना झींगा सुनाती नहीं, उनके दिन पूरे नहीं होते थे। इस मीठी सी नोक झोंक में एक अनोखा सा नशा था और ये नशा शराब के नशे से भी कहीं ज्यादा पुर असर था, क्योंकि इस नशे में प्यार की हलावत और अपनेपन की खुशबू रची बसी थी। समा तब बदल जाता था जब दादी सुर लगाती थी और अपनी जादू भरी आवाज से माहौल को शराबोर कर देती थी। किस्मत कब पलटा खाए कोई नहीं जानता। कातिबे तकदीर के लिखे को पढ़ना इंसान के बूते में है ही नहीं, वो चाहे लाख दावे करे। हम भी एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक कहीं से बदनसीबी की एक काली बदली उठी जिसने जिंदगी को ही तारीकियों में डुबो दिया। कश्मीर के हालात अचानक तहोबाला होने लगे। शूरिश का ऐसा दौर चला जिसने हम जैसे लोगों को नकले मकानी पर मजबूर किया। दादी जो अपने घर से एक पल भी बाहर रहना पसंद नहीं करती थी, उसे भी अपने मन को मारकर अपनी चाह का गला घोंटकर अपने घरबार अपनी जमीन जायदाद अपनी सुख शांति और खैरबाद कहके सिर्फ हमारी बका का ख्याल करके हमारे साथ जाना पड़ा। एक ऐसे शहर में जो कभी उसने देखा ही नहीं था, जिसका उसने कभी जिक्र सुना ही नहीं था, हम जम्मू चले आए। जम्मू का एक संगलाख शहर जिसके बारे में हमने भी अक्सर सुना था मगर इस शहर को देखने का कभी मौका नहीं मिला था। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमें उसी शहर में पनाह लेनी पड़ी
जिस शहर से हमें कोई उल्फत या रखबत न रही थी। कुछ फैसले बड़े तकलीफ दे, जंगुसिल और अनचाहे होते हैं, मगर जब हालात की मजबूरी हो या वक्त का तकाजा, तो इंसान को कड़वी गोली को भी शरबत समझकर पी जाना पड़ता है। हमने तो किस्मत की सितम जरीफी को हंस हंस के सह लिया, मगर दादी सह न सकी। उसके दिल का दर्द आवाज बन के फूटता रहा। दादा घर से जुदा होने के बाद ज्यादा दिनों तक नहीं जिए। वो शायद इस सदमे को सहार नहीं पाए, इसलिए एक रात जब वो सोए तो फिर हमेशा के लिए सो गए। जिस तरह की जिंदगी वो जीने पर मजबूर हो गए थे, उस जिंदगी से उन्होंने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा। दादा के चले जाने के बाद दादी अपने आप को एकदम अकेली महसूस करने लगी। हम उसकी दिलजुई में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, मगर वो अंदर से इतनी मजरूह हो चुकी थी कि न हमारे दम दिलासे और न ही हमारी दिल जमाई उसके दर्द का मदावा बन पा रही थी। वो उस सितार की तरह हो गई थी जिसके सभी तार टूट चुके हों। उसने अपने आप को खामोशी की पिनाइयों में ऐसे छिपा लिया था कि जरा सी बात भी उसे मुंतशिर करके रख देती थी। वो बस जीने का एक रस्म अदा कर रही थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो अंदर से कब की मर चुकी थी। इस शहर में आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मरघट में आके बैठी हो। न कोई अपना, न कोई शनासा, न वो मस्त मधोश करने वाली हवाएं, और न ही वो रूह को ताजा करने वाला अमृत जैसा शीतल पानी। न वो पड़ोस, न वो हमसायगी। वो दादा को हर पल और हर लम्हे याद करती थी। दादी जब खाना खाने बैठ जाती थी तो सबसे पहले वो थोड़े से चावल उठाकर खिड़की के बाहर रख देती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी तुम रोज वहां खिड़की के पास ये चावल क्यों डालती हो? तुम तो मुझे खिलाते हो, इन बुलबुलों को कौन खिलाएगा? कौन से बुलबुल? कहां के बुलबुल? किन बुलबुलों को ढूंढ रही हो तुम यहां? क्यों, यहां बुलबुल नहीं है? नहीं दादी, बुलबुल यहां नहीं होते हैं, बुलबुल तो कश्मीर में ही होते हैं। मेरे इस जवाब से दादी एकदम बुझ सी जाती थी। एक दिन मैं उसे दरियाई तवी पर घुमाने ले गया। तवी को देखकर दादी ने उसका नमस्कार किया और किसी कदर जज्बाती होके बोली, आज मैंने कितने दिनों बाद व्यतस्ता का दर्शन कर लिया। दादी ये व्यतस्ता नहीं है, ये तो दरियाए तवी है, जहलिम तो कश्मीर में है। इस बार दादी जिलबिलाकर बोली, तो कश्मीर है कहाँ? मैंने उसे उंगली से मगरबी समत की तरफ इशारा करते हुए कहा, कश्मीर वहां है, उस पहाड़ के उस पार। दादी रूहांसी होकर बोली, नहीं कश्मीर वहां नहीं, कश्मीर यहाँ है, कश्मीर मेरे दिल में है, और तुम इस कश्मीर को मुझसे छीन नहीं सकते। उस रात वो बहुत रोई। रात भर वो खिड़की पर बैठकर जारो कतार रोती रही। वो बार बार अपने आप से एक ही सवाल करती थी, मुझे अपने घर से अलग क्यों होना पड़ा? ये सवाल सदाए बाजगश्त बनकर रह जाता था। कितने ही माह साल गुजर गए, उसका ये सवाल जवाब के लिए तिश्ना तलब ही रहा। वो हर पल हर लम्हे उन गलियों उन बाजारों को याद करती थी जहां वो दादा के संग घूमा करती थी। हमने बहुत जल्दी हालात से समझौता कर लिया। हमसे जो कुछ छूट गया था हम उसकी भरपाई करने में जुट गए। मैंने दवाई की दुकान खोली, पापा जी ने एक होटल में नौकरी पक्की कर ली, माँ दिन भर चूल्हे चौके में सर खपाती रहती थी। मेरी बीवी अंजना पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसको एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। मेरा छोटा भाई बबलू, जो कि इंजीनियरिंग का कोर्स मुकम्मल कर चुका था, नौकरी की तलाश में दिन भर यहां से वहां जूतियां चटखाता फिरता था। सभी अपने अपने काम में मसरूफ थे,
सिवाय दादी के, जो बस अपनी यादों के खंडरों में माजी की राख कुरेदती जा रही थी। वो बीते दिनों को याद करके रात दिन बस आठ आठ आंसू बहाती रहती थी। हमारे पास दादी के दर्द की कोई दवा न थी। वो किसी जिस्मानी बीमारी में लाहक नहीं थी, बल्कि वो नफसियाती बीमारी का शिकार थी। वो अपनों की जुदाई के गम से भोजल थी। वो उन लम्हों की पीड़ा से दो चार थी जो उसे छिन गए थे। वो लम्हे जो कभी उसके अपने थे और अब यही लम्हे बेगाने होकर रह गए थे, और वो उन लम्हों को हर पल ढूंढती रहती थी। इसी बीच बबलू को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की देर थी कि उसके लिए रिश्ते पे रिश्ते आने लगे। दादी तो अब सब बातों से लाताल्लुक बनी रही। उसने तो अपने आप को कमरे की चार दीवारी में कैद करके रखा था। वो इस कैदखाने से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। उसे अब आजादी की चाह नहीं थी, वो असीर बन के ही जीना चाहती थी। हम भी उसे ज्यादा तंग नहीं करते थे। उसके स्वभाव में अब तूफानी बदलाव आ गया था। वो बात बात पर चिढ़ जाया करती थी। ये स्वभाव कश्मीर वाली दादी से बिल्कुल उलट था। ऐसा होना लाबुदी था। बबलू का रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पक्की हो गई, दावतनामे बटने लगे, मैरिज हॉल को बुक किया गया। पापा जी ने अपने रिश्तेदारों को ही नहीं बल्कि अपने बिछड़े पास पड़ोसियों को भी गांव के पते पर दावतनामे भेजे। साथियों ने फोन पर भी याद दहानी कराई गई कि वो इस तकरीब में जरूर शामिल हों। हमारे गांव के बहुत सारे पड़ोसियों ने शादी में शामिल होने का यकीन दिलाया था, जिनके कयाम तआम के लिए अलग से इंतजाम किया गया था। मगर इस शादी में बमुश्किल तीन चार लोग ही कश्मीर से शरीक होने आ गए। हम सब लोग मैरिज हॉल में मुंतकिल हो चुके थे। यहीं पर सारी तैयारियां हो रही थीं। दादी को माँ और दीगर रिश्तेदारों ने नए कपड़े पहनने पर मजबूर किया था। दादी शादी में तो शामिल थीं, मगर न कोई उमंग, न कोई वलवला और न ही कोई खुशी। वो तो दर्द आलम की मूरत बने ऐसे बैठी थी जैसे वो किसी की मैयत में शरीक होने आई हो। बड़े बड़े मेज लगे थे जिन पर तरह तरह की ज़ियाफ़तें सजी हुई थीं। एक तरफ मशरूबात थे जो इस नए कल्चर का एक जुज़्वे लायनफक बन के रह गए थे। दूसरी तरफ बैंड बाजे का इंतजाम था जो अपनी धुनों से माहौल की रंगीनी को मुर्तइश किया जा रहा था। दादी बैंड की इन बेहंगम धुनों से झुंझला रही थी। उसे वो रुफ गीत याद आ रहे थे जो माहौल को मस्ती से शराबोर कर देते थे। वो बैंड की धुनों से इस कदर बेचैन होने लगी कि उसने कानों में रुई ठोंस दी और मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। माँ ने दादी के पास जाकर कहा, माँ जी अगर आप ढोलक पर थाप लगाती तो महफिल में चार चांद लग जाते। दादी की आंखों में आंसू आ गए और गुलोगीर होके बोली, बहू मैं गाती जरूर, अगर हलीमा, जानकी, फिरदौसा, मरियम, प्रभा मेरे संग होती। मैं उन्हें कहां से लेकर आऊं माँ जी, कौन कहां है ये तो परमात्मा ही जाने। हम तो माला के दानों की तरह बिखर के रह गए हैं, अब इन दानों को कहां तलाश करती फिरूंगी माँ जी। ये कहकर माँ एक ठंडी सांस भरकर वहां से चली गई। बारात रुखसत होने में बस थोड़ी सी देर बाकी थी, तभी पापा दादी के पास भाग कर आ गए और उन्होंने दादी से कहा, माँ माँ ये देखो तुमसे मिलने कश्मीर से कौन आया है। दादी ने चौंक कर उस समत देखा जहां एक बूढ़ी मुस्लिम खातून खड़ी थी। दादी ने झट से उसे पहचान लिया, ये हमारे गांव की मरियम चाची थी। मरियम चाची ने जो ही दादी को देखा तो उसने वहीं से सुर लगाया। दादी जो आसानी से उठ ही नहीं पाती थी एकदम खड़ी हो गई और फिर मरियम की तरफ लपक कर वो उसके गले मिली और दोनों ने मिलकर रुख गाया। देखते ही देखते सारी औरतें इस रुख में शामिल हो गई। ऐसा लगा जैसे जन्नत की अप्सराएं उतर कर इस नाच में शामिल हो गई। और उसके बाद का मंजर दीदनी था। माहौल एकदम बदल चुका था।
चार अतराफ वजद किसी कैफियत तारी थी, फिजा इस नाच गाने से झूमने लगी थी, हर शय पर एहतजाज किसी कैफियत तारी हो चुकी थी। दादी मरियम चाची के संग लहक लहक कर नाची, ये राधा का आखिरी नाच था। दो दिन बाद दादी ने इस जहाने फानी को अलविदा कहा और वो अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए स्वर्गलोक यूं पधार गई जैसे वो बस इस एक नाच के लिए जी रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गीतों भरी कहानी राधा नाचे की। तहरीर दीपक कंवल।